तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका दोस्त या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्लॉक कर देती है व्हाट्सएप पे, तो कैसे दोस्तों आप खुद को अनब्लॉक कर सकते हो अपने ही मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने अपने मोबाइल फ़ोन में दो व्हाट्सएप बना लिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो मान लीजिए ये मेरा व्हाट्सएप है और यह है मेरे गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप। तो चलिए हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और आपको मैसेज करके दिखाते हैं। तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर एक मैसेज कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सेकेंड वाला व्हाट्सएप है, इस पर मैसेज आ चुका है। तो क्या करेगी, मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर हमको ये ब्लॉक कर देगी। तो हम अपने जो फर्स्ट वाला व्हाट्सएप है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरा व्हाट्सएप है ये ब्लॉक हो चुका है। मान लीजिए ये गर्लफ्रेंड मेरी है और इसने जो है हमको, ये वाला मेरा व्हाट्सएप है, इसने हमको ब्लॉक कर दिया। अब हम चाहे जितना इसके पास मैसेज करेंगे इसके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोस्त या फिर हमारी गर्लफ्रेंड या कोई भी बंदा हमें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देता है। ऐसे में हम उससे ना बातें कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको किसी ने भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है तो कैसे आप खुद को अनब्लॉक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर गाइज आपको एक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली गाइज आपको अकाउंट पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे ऑप्शन दिख जाएगा डिलीट माई अकाउंट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है डाल दीजिएगा। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम फटाफट से अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको डिलीट माई अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों एक सेलेक्ट रीजन कुछ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे बोलेगा कि किस लिए डिलीट करना चाहते हो। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा सर माई व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट। ओके, माई व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट, ऐसा मैसेज आप कुछ भी कर दीजिएगा और सिंपली दोस्तों डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना होगा। दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि आपका यहाँ पर जो है व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट हो चुका है। ये दोस्तों व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद ये व्हाट्सएप अकाउंट नया प्रकार से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है इंटर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को डालिएगा जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना था और जिस व्हाट्सएप अकाउंट को किसी ने ब्लॉक किया था, तो उसी मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को डाल दीजिएगा और जैसे आप ओटीपी डाल देते हो तो यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर एक अपलोड कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर देते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं उसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ पर है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आपका जो नाम है यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि आपका दोबारा से जो है व्हाट्सएप में आपका अकाउंट बन चुका है। फिर यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप पे आपका अकाउंट दोबारा से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को पॉज नहीं करेंगे वरना आप लोग बोलोगे कि भाई ने फेक तरीका बताया है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, सारा कुछ यहाँ पर आपको लाइव दिखाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक मैसेज का ऑप्शन दिख जाएगा। फिर जिस बंदे ने या फिर आपकी जिस गर्लफ्रेंड ने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है उस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम जो है जो दूसरा व्हाट्सएप है तो उस नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैसेज करेंगे फिर देखते हैं क्या हमारा व्हाट्सएप अकाउंट अनब्लॉक हुआ है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक मैसेज को सेंड कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो दूसरा मैसेज है, जो दूसरा व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप में ये मैसेज आ चुका है। हम आपके सामने यहाँ पर लाइव किए जा रहे हैं और वीडियो कहीं पर पॉज नहीं है, देख लीजिएगा। हम यहाँ पर एक मैसेज किए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा मैसेज इसमें भी आ चुका है। हम फिर से एक मैसेज कर देते हैं ताकि आपको दोबारा से यकीन हो जाए। यहाँ पर हमने अपना नाम सेंड किया और यहाँ पर दूसरे वाले व्हाट्सएप पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मेरा नाम आ चुका है। जैसे मैंने फ़ौरन यहाँ पर नाम रखा था, ये मेरा व्हाट्सएप है और ये मेरी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप है, इसने हमको जो ब्लॉक कर दिया था और मैंने जो अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करके खुद को अनब्लॉक कर लिया हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको आपके दोस्त ने या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने या फिर किसी भी बंदे ने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है तो आप दोस्तों इसी प्रकार से बड़ी आसानी से आप व्हाट्सएप पर खुद को अनब्लॉक कर सकते हो और दोबारा से उनसे बातें करना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी जो है यहाँ पर सेंड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंड और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो हो चुका है सेंड और हमारे पास दूसरे वाले व्हाट्सएप में मैसेज आ चुका है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो हमने व्हाट्सएप पर खुद को अनब्लॉक
कर लिया हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको किसी भी बंदे ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है तो बड़ी आसानी से आप खुद को अनब्लॉक कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जान पाएँ। और तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।